सब्सक्राइब करें टेक्निकल टीचर को समस्त तकनीकी जानकारी के लिए और बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करें जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर आपको अपने SSO लॉगिन आईडी का पासवर्ड चेंज करना है, अपनी प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करनी है या आपको कोई अपनी प्रोफाइल फ़ोटो सेट करनी है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरी देखें, बीच में स्किप नहीं करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, हाँ, याद रखना, घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं और उसमें ऑल को सेलेक्ट करें जिससे कि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचता रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अपने प्रोफाइल पासवर्ड जो है SSO आईडी का, वो आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगर आपको अपना पुराना पासवर्ड याद है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने पासवर्ड को किस प्रकार से चेंज करेंगे और अपनी जो प्रोफाइल फ़ोटो है उसको आप किस प्रकार से लगाएंगे, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है और प्रोफाइल फ़ोटो सेट करना है तो आपको सबसे ऊपर राइट साइड में कुछ ऑप्शन दिखेंगे। इनमें एक आपको क्रॉस का निशान होगा और एक दूसरा होगा एक बॉक्स जिसमें आपको कुछ डॉट के निशान दिखेंगे। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें लिखा होगा चेंज फ़ोटो, अपडेट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड। इसमें आप अगर आप कोई फ़ोटो अपना चेंज करना चाहते हैं, आप अपना नया फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो चेंज फ़ोटो पे आप क्लिक करें। अगर आपको अपनी प्रोफाइल जो है उसको अपडेट करनी है तो अपडेट प्रोफाइल पे आप क्लिक करें। अगर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो चेंज पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आपका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसको जल्दी से जल्द बदल लें और उसको चेंज करने के लिए आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करें। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, अब कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको अपना ओल्ड पासवर्ड सबमिट करना है सबसे ऊपर। इससे नीचे आपको न्यू पासवर्ड जो आप बनाना चाहते हैं वो आप सेट करें, उसको आप कंफर्म करें, कैप्चा फिल करें। कैप्चा फिल करने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपके द्वारा जो नया पासवर्ड है जो सेट किया जा रहा है वो सेट हो जाएगा और आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको अपना प्रोफाइल फ़ोटो है वो चेंज करना है या आपको अपना प्रोफाइल फ़ोटो लगाना है, उसके लिए सबसे ऊपर आपको राइट साइड में जो क्रॉस का निशान दिख रहा है उसके साइड में जो बॉक्स है उसमें कुछ डॉट्स आपको दिखाई देंगे, नो डॉट्स, उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में सबसे फर्स्ट का जो ऑप्शन है चेंज फ़ोटो, इस पर आप क्लिक करें। प्रोफाइल फ़ोटो सेट करने के लिए, प्रोफाइल फ़ोटो चेंज करने के लिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देने पे आप इसको रीड करें। इसमें लिखा हुआ है प्रोफाइल फ़ोटो सपोर्ट्स ओनली JPG, JPEG ये फॉर्मेट के नेम है, इन फॉर्मेट की फ़ोटो ही इसमें आपको अपलोड करनी है और फ़ोटो की अधिकतम साइज़ आपकी 100KB होनी चाहिए। 100KB से ऊपर की अपलोड फ़ोटो आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपनी किसी फ़ोटो का साइज़ कम करना है तो उसकी वीडियो भी आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो की सहायता लेकर भी आप अपनी फ़ोटो की साइज़ कम कर सकते हैं और उसके बाद में आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आपको जो निशान दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब आपसे ये कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, इनमें आपको फाइल्स पर क्लिक करना है। अब फाइल्स में से आपको अपनी जो फ़ोटो है वो इनमें से चयन कर लेनी है। अब जैसे कि मेरी ये फ़ोटो है, ये मुझे यहाँ चयन करनी है, ये मुझे अपलोड करनी है, तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद में जो भी फ़ोटो मैंने इसमें अटैच की है उसको अटैच करने के बाद में अपडेट बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मैंने जो फ़ोटो सेलेक्ट की थी वो फ़ोटो मेरी प्रोफाइल फ़ोटो में अपडेट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, मैंने जो फ़ोटो सेलेक्ट की वो मेरी फ़ोटो अपडेट हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार से आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो सेट कर सकते हैं, आप अपने प्रोफाइल फ़ोटो को चेंज कर सकते हैं, आप अपने पासवर्ड जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपना पासवर्ड फॉरगॉट हो गए हैं, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको फॉरगॉट पासवर्ड किस प्रकार से करना है इसकी वीडियो भी आपको अलग से मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।